डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश कॉटेज पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आपके किताब दिगंत भाग टू का पद भाग से चैप्टर 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। और इसके जो कवि हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो ये काफ़ी खूबसूरत कविता है, जिसमें एक बाप अपने बेटी को काफ़ी कुछ बताना चाहता है। उसको इस दुनिया के बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है, और ख़ासकर लोहे के महत्व को बताता है। लोहा वैसे भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हमारे चारों तरफ विद्यमान होता है, और हम लोग उसको पूजते भी हैं। विश्वकर्मा पूजा में हम लोग उसका पूजा भी करते हैं, लोहे की जो भी चीज़ें होती हैं उनकी। तो यहाँ पे एक पिता जो है अपने बेटी से ये सब कुछ पूछता है, और उसकी बेटी क्या जवाब देती है, और उस समय उसका बेटा भी वहाँ पे है उसके पास। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जान जाएंगे हमेशा की तरह, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल क्लिक कर लें, क्योंकि आपके क्लास की सारी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं और आप इसको पढ़ करके अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं, बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। याद रखेंगे, 1 जनवरी 1937 को राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उनका निवास स्थान था रायपुर छत्तीसगढ़ में, यानी जन्म तो राजनाथ गांव में हुआ था, लेकिन ये रहते थे कहाँ पे, रायपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर तथा निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि सलाहकार रहे। यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम किए, उसके बाद वो निराला सृजन पीठ में 1994 से 1996 जून तक वो काम किए, यानी कि 1994 के जून से काम किए 1996 के जून तक। उनके अप्रतिम साहित्य अवदान के लिए उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया। याद रखेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में इनको दिया गया। और इनके साहित्य के अंदर बहुत सारे योगदान के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ये सारी पुरस्कारें मिली। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सबसे पहले ये कविता का एक संग्रह निकाले थे, लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद के नाम से इनका कविता का संग्रह आया था पहली बार, फर्स्ट टाइम। और आगे चल करके 1971 में ये इसको प्रकाशित किए। और इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, ये बहुत बेहतरीन है, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं इसी से लिया गया है, उनकी इसी कविता से लिया गया है, एक लंबा कविता है ये, उसी के अंदर ये कविता लिखा गया है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, याद रखेंगे। विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। तो ये उनके महत्वपूर्ण कुछ कविताएं हैं। उपन्यास भी लिखते थे वो, यानी कि नोबेल, नौकर की कमीज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी इनका कौन कौन सा है, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, याद रखेंगे, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ये कहानी का संग्रह है। और भी आगे बताया गया है कि इनकी कई सारी उपन्यासों को, यानी कि कई सारे ये जो नोवेल लिखे हैं ना, उनको अनुवाद किया गया है भारतीय भाषाओं में अलग अलग, यानी कि अलग अलग भाषा में, जैसे बंगाली में, मराठी में, अलग अलग भाषा में इनके द्वारा लिखे गए नोवेल को अनुवाद किया गया है। और पेड़ पर जो कमरा है, ये जो इनका कहानी संग्रह था, ये इतावली भाषा में भी अनुवाद किया गया था, इतावली जो विदेशी भाषा है, इसमें भी इसका अनुवाद हुआ, पेड़ का, पेड़ पर कमरा, इसका वो विदेशी भाषा में भी अनुवाद किया गया इनके इस कहानी संग्रह का। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया, यानी कि फिल्म भी बना इनके, नौकर की कमीज जो ये उपन्यास लिखे है ना, उस पर फिल्म भी बना, ठीक है, मणिकौल जो है वो फिल्म बना इस पे। और आगे कहा गया कि इनकी काव्यागत कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि जो काव्य के रूप में, कवि के रूप में ये कौन कौन सी चीज़ें के लिए फेमस हैं। तो देखिए, 7वें-8वें दशक में अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, यानी कि ये 7वें-8वें दशक में, एक दशक 10 साल का होता है,
तो सातवें आठवें दशक में ये शुरू किए जब इनका जन्म हुआ था, उसके बाद ठीक है उस समय उसी एक तरीके से देखा जाए तो शताब्दी में वे सातवें आठवें दशक में यानी कि 1970-80 के समय आप कह सकते हैं कि ये शुरू किए लिखना। कुछ समय उनकी एक दो कहानियां आई जिन्होंने अपनी विशिष्टताओं के कारण लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। एक दो कहानी वो उस समय जारी किए थे अपना और लोग काफी इससे प्रभावित हुए। समुच्चय साहित्य में आम आदमी की दिनचर्या, सामान्य रूप से व्यवहार तथा एक हद तक घिसे पीटे शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहा गया है कि ये जो भी साहित्य लिखे हैं ना आज तक, उसमें आम आदमी से जुड़ा हुआ जो बात है वो लिखा गया। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में घटना घट रहा है। एक आम आदमी के लाइफ में जो जो चीज होता है ना, जो जो हम लोग बोल चाल का भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिसको घिसा पीटा यहाँ पे शब्द कहा गया है, जो बोल चाल के भाषा में हम लोग ठेठ शब्द कहते हैं ना जिसको, तो ये ठेठ भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे लोगों को लगता था कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे बारे में लगता है लिखा हुआ है, मेरे जीवन के जैसा है। तो आम आदमी, आम गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक एवरेज आदमी के बारे में ये लिखते थे, और उनके बोल चाल के भाषा में, ठेठ भाषा में ज्यादा लिखते थे। ठीक है, तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा इनसे प्रभावित हुए और इनके कविताओं को, काफी ज्यादा कहानियों को, नोबेल को, सब कुछ इनको काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर लेते हैं इस कविता को, इस कविता के भावार्थ को समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, और मैं आपको अंत में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन का, आपको पूरा का पूरा जो समरी है, जो इसका सारांश है वो दे दूंगा। उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पीडीएफ को भी ले लीजिएगा, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है अविनाश इंग्लिश, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। तो यहाँ जो कवि है वो उनका जो कैरेक्टर है, ठीक है, तो इस कविता में जो नायक है, जिसके बारे में कवि जो है उसको नायक बनाए हुए हैं, वो अपने बेटा और बेटी से बात कर रहा है। तो वो एक भिलाई का, यानी कि छत्तीसगढ़ में भिलाई नाम का एक जगह है, ठीक है, तो वहीं का वो रहने वाला है। और वो जो आदमी है वो अपने छोटे से बेटे को कंधे पर बैठाया हुआ है, और जब वो आदमी अपने छोटे से बेटे को कंधे पर बैठाया हुआ है तो जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि पापा देखो मैं दादा से भी बड़ा हो गया। यानी कि अब छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो है वो काफी खुश हो जाता है और उसको लगता है कि वो अब सबसे बड़ा हो गया, सबसे ऊंचा हो गया। तो वो कहता है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया पापा सुनना यह सुनना काफी अच्छा लगता है जो नायक है हमारे उनको भी, ठीक है, कि उनका बेटा जो है वो काफी बड़ा हो गया, उसको ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो कंधे के ऊपर बैठा है, वो सबसे ऊंचा हो गया है अभी। अब आगे वो कहते हैं कि बिटिया से पूछूंगा, ठीक है, यानी कि उस आदमी के थ्रू ये बात कर रहे हैं, यानी कि मेन रूप से तो कवि ही ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर यहाँ पे भिलाई का एक आम आदमी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने प्यारी बिटिया से पूछेगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा। वो चाहता है कि उसकी बिटिया जो आसपास की चीजें हैं उसको समझें, उसके महत्व को समझे। तो वो अपने बिटिया से पूछता है कि कहाँ कहाँ लोहा है बिटिया बताओ। तो जो उसकी बिटिया है अब वो बता रही है, क्या क्या कह रही है, चिमटा, करकुल, सिगड़ी, शमसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला दरवाजे में फंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। यानी कि झटपट उसकी जो बेटी है ना वो कहती है चिमटा में, चिमटा जो खाना बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, चिमटा रोटी वगैरह पकड़ने के लिए, चिमटा में, करकुल में, करकुल का मतलब यहाँ पे करछुल से है, जो करछुल होता है जिससे हम लोग दाल वगैरह या फिर सब्जी वगैरह निकालते हैं, तो करछुल में, सिगड़ी में, सिगड़ी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सिगड़ी कढ़ाई होता है जिसमें सब्जी बनता है, लोहे की कढ़ाई, तो उसमें लोहा है, करछुल में लोहा है, चिमटा में लोहा है, शमसी में लोहा है। अब शमसी कहने का मतलब यहाँ पे है दरवाजे की जो जंजीर होती है उसको हम लोग बोलते हैं शमसी, यानी कि जंजीर जो आयरन की होती है, लोहे की जो जंजीर होती है ना दरवाजा में लगा हुआ, तो उस शमसी में भी लोहा है। ठीक है, उसके अलावा दरवाजे के साकल में भी लोहा है। दरवाजे के साकल कहने का मतलब क्या है कि जो कुंडी होता है दरवाजा में, जो कुंडी फंसाया जाता है जिसको पकड़ करके हम खोलते हैं दरवाजे को बंद करते हैं, तो उस कुंडी में भी लोहा है। उसके अलावा कब्जे में भी लोहा है। कब्जा क्या है, तो कब्जा के माध्यम से ही दरवाजा को फंसाया जाता है, कब्जा में स्क्रू लगा करके, और क्या किया जाता है उससे दरवाजा जो है उसको फंसा दिया जाता है ताकि दरवाजा जो है वो स्थिर रहे, मजबूत रहे, तो उसमें भी लोहा है। ठीक है, उसके अलावा आगे, कब्जे के अलावा आगे यहाँ पे कहा गया है खिला दरवाजा में फंसा हुआ वह बोलेगी, यानी कि दरवाजा जिसमें फंसा हुआ है ना, जो दरवाजा जिसमें फंसा हुआ है उसमें भी
उसमें भी लोहा है जो सिटकिनी है, ठीक है, उसमें भी लोहा है, उसी सिटकिनी के अंदर जो स्क्रू है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो वो कहेगी कि इसमें भी लोहा है, इन सब चीज में वो तत्काल बोलेगी, झटपट बोलेगी कि इन सब में लोहा है, यानी कि उसके पापा जब उससे पूछेंगे, उस लड़की से, तो जो भी उसके दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ लोहा है वहां लोहा है, सब कुछ वो बताएगी कि हाँ पापा बहुत पूछे हैं, तो झटपट वो बता देगी कि यहाँ यहाँ लोहा है, ठीक है। फिर वो उसको लगेगा कि कुछ चीज तो मैं भूल गई, पापा को सब कुछ नहीं बता पाई, फिर वो रुक करके, थोड़ा देर रुक करके याद करेगी वो लड़की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया कि वो लड़की कितनी चंचल है, सेंसिटिव है, ठीक है, लड़की कितनी ज्यादा समझदार हो सकती है छोटे उम्र में ही, ठीक है। लड़कियां वैसे भी लड़कों से ज्यादा समझदार मानी जाती है कम उम्र में ही, ठीक है। तो रुक करके फिर वो याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। वो कहेगी कि अच्छा वो जो तार है जो दो खंभों पर लगा हुआ है, जिस पे कपड़ा हम लोग डालते हैं, है ना, जो दो बांस पर लगा दिया जाता है तार को, वो भी तो लोहे का है, जिस पे भैया की चड्डी सूख रही है, गीली चड्डी, वो भी तो जो तार है वो तो लोहे का है ना, वो जो तना हुआ तार है वो तो लोहे का ही है ना। उसके अलावा जो सेफ्टी पिन है, जो सेफ्टी पिन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कपड़ों में लगाने के लिए, तो सेफ्टी पिन भी तो लोहे का है, पूरा का पूरा साइकिल लोहे का है। यानी कि वो खुश होकर के कहेगी ये सारी बात कि ये सब लोहे का है, ठीक है। वो याद करेगी और इतना फिर बताएगी, ठीक है, आसपास वह ध्यान करेगी और आसपास फिर वो ध्यान लगाएगी कि और कुछ तो छूट नहीं रहा है ना, सोचेगी और सोचती रहेगी कि और क्या क्या बताएं पापा को कि सब जगह लोहा है, कहां कहां लोहा है, इतना बता दी, फिर वो सोचेगी, ठीक है। अब कभी यहां पे उस लड़की के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहां कहां लोहा है। कभी यहां पे कह रहे हैं कि वो जो लड़की है ना, वो देखने में तो दुबली पतली है लेकिन हरकत में तेजी की, मतलब कि बहुत एक्टिव है, बहुत तेजी से वो चीजों को सोचती है, सेंसिटिव है, काफी फास्ट है, एक्टिव है, और वो चाहेगी कि जितना जल्दी जान सके, कितना जल्दी वह जान जाए, कितना जल्दी उसे पता चल जाए कि और कहां कहां आसपास लोहा है, मैं पापा को जल्दी से बता दूं कि कहां कहां आसपास लोहा है, तो फिर वो आगे सोचेगी उतना बताने के बाद, है ना। बहुत सिंपल भाषा में आप इसको ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है, आराम से इसको कर लेंगे, मैं याद दिलाऊंगा। आप कभी कह रहे हैं कि जो वो फादर है, जो एक पिता है, वो क्या करेगा, पिता का काम है कि अपने बेटे बेटियों का जानकारी बढ़ाना, जो भी चीज है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि मैं उसको याद दिलाऊंगा, यानी कि वो जो कैरेक्टर है उनका, वो याद दिलाएगा अपने बेटी को कि कहाँ कहाँ लोहा है, जैसे दिखलाऊंगा, सिखलाऊंगा, एक्चुअली में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर की लोहे की गोली, ये कांसे हो जाएगा, ठीक है, कांसा। तो कभी कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर है ना, वो फिर सिखाएगा अपने बेटी को, क्या सिखाएगा बिटिया को, बिटिया को सिखाएगा कि देखो जो फावड़ा होता है ना, कुदाली होता है, टंगिया होता है यानी कि टांगी जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं, ठीक है, बसुला जो होता है जिससे लकड़ी को छीलते हैं, खुरपी आप समझते हैं, ठीक है, कुदारी समझते हैं, फावड़ा भी समझते हैं जिससे हम लोग उठाते हैं वो ज्यादा संख्या में गिट्टी वगैरह जो होता है, ठीक है। तो खुरपी, बसुला, टंगिया, कुदाली, फावड़ा, पास खड़ी बैलगाड़ी, यानी कि जो पास में बैलगाड़ी तुमको दिख रही है ना, उसका जो चक्का है, उस चक्के के पट्टे में यानी कि भी लोहा है, चक्का का जो पट्टा है ना, जो चक्का बना हुआ है, उस चक्का के बीच में देखोगे तो जो वहां पे पट्टा लगा हुआ है वो भी लोहे का है बैलगाड़ी के अंदर। खुरपी, बसुला, टंगिया, कुदाली, फावड़ा, ये सब मैं बिटिया को सिखलाऊंगा कि इन सब में लोहा है। इसके अलावा बैलों के गले में कांसे की घंटी, यानी कि कांसा का जो घंटी होता है बैल के गले में लगा दिया जाता है, वो जो घंटी बजता रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो छोटा सा गोली होता है जो टकराता है उस घंटी के अंदर, तो बजता है घंटी, तो वो भी तो लोहे का है, वो गोली भी लोहे का है जो घंटी के अंदर है, ठीक है। तो ये सब कुछ पिताजी उसको याद दिलाएंगे। अब वो आगे कह रहे हैं, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझ आएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की गिरी, छाते की कांडी, दंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई, बल्डीला, बल्डीला एक जगह का नाम है, यहाँ पे ड कर लेना, ठीक है, बल्डीला, जगह जगह लोहे के टीले। अब यहाँ पे कभी कह रहे हैं
कि वही नहीं, वो जो कैरेक्टर है सिर्फ वही नहीं, वो पिताजी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी, यानी कि उस बेटी की जो माँ है वो भी दिलाएगी, वो भी अपना योगदान देगी बेटी को सिखाने में कि कहाँ कहाँ लोहा है। तो बेटी को वो क्या सिखाएगी, बिटिया को सिखाएगी कि बाल्टी में सामने के कुएं में जो लोहे की घिरनी लगी हुई है, यहाँ पे घिरी का मतलब, घिरी का मतलब लोहा का घिरनी होता है जो घूमता है और बाल्टी नीचे जाती है कुएं में रस्सी के सहारे, तो वो घिरनी बाल्टी छाते का जो कांडी डंडी होता है यानी कि छाता, आप देखे होंगे जिस तरीके से वो छोटे छोटे लोहे के जो कमचे लगे होते हैं, तो वो सब कांटी डंडी, ठीक है, और जो घमेला है ये सब कुछ लोहे का है, यानी कि छाता के अंदर जो कुछ भी हिस्सा है उसमें काफी कुछ लोहा है, उसकी कांटी डंडी घमेला ये सब लोहे का है। उसके अलावा जो हंसिया है यानी कि घास काटने वाला जो हंसुआ होता है, हंसिया ये भी लोहे का है, चाकू भी लोहे का है, ये मम्मी दिलाएगी घर के अंदर, देखो और क्या क्या है, ये सब कुछ लोहे का है। उसके अलावा भिलाई, भिलाई जो जगह का नाम है, और बलडीला, ये भिलाई और बलडीला के अंदर तुमको जगह जगह लोहे के टीले मिल जाएंगे, क्योंकि ये भिलाई और बलडीला जो जगह है ना वो लोहे के लिए ही प्रसिद्ध है, वहां पे लोहे की ढेर सारी खदाने हैं, तो वहां भी आपको जगह जगह लोहे के टीले मिल जाएंगे, लोहे के बड़े बड़े पहाड़ के जैसे वहां पे आपको लोहे एकत्रित किए हुए अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे, तो ये सब लोहे के हैं। पत्नी भी अपना योगदान देगी, यानी कि जो उसकी माँ है वो भी अपने तरफ से सिखाएगी कि ये सब लोहे के हैं, बिटिया तो जितना जान रही है उतना बताई ही, बाकी माता पिता भी अपना योगदान देंगे कि देखो ये सब लोहे के हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर, इसी तरीके से घर के सभी लोग धीरे धीरे सोच समझ करके अच्छे तरीके से एक साथ ढूंढ लेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, यानी कि घर के सारे लोग अपना अपना योगदान देंगे और बेटी को बताएंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। इसके अलावा इस घटना से उस घटना तक कि हर आदमी जो मेहनत कस लोहा है। अब यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि ये सब नहीं, बल्कि इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो मेहनत कस हैं, जो मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, जो मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, वो भी लोहे के तरह मजबूत हैं, क्योंकि उनके इच्छा शक्ति के वजह से उनका परिवार जिंदा रहता है, उनके मेहनत के वजह से उनका परिवार जिंदा रहता है, तो वो सब लोहे के तरह हैं, क्योंकि वो भी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हर एक आदमी जो मेहनत कस है वो सब लोहा है, यानी कि जो मेहनत करता है सब लोहा है, इस घटना से उस घटना तक, यानी कि एक एक घटना तक उसके जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हर घटना तक जो आदमी मेहनत से डिगे नहीं वो सारा आदमी लोहा है। वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक की हर वह आदमी जो मेहनत कस लोहा है। अब कभी आगे ये कह रहे हैं कि वह औरत, वह महिला भी जो दबी सताई है, जिसको काफी ज्यादा परेशान किया गया है उसके परिवार वालों के द्वारा, जो इतना ज्यादा दर्द सही है, वो भी लोहे के तरह अंदर से मजबूत हो गई है। उसके अलावा जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, यही परिवार वाले सोचते हैं, माता पिता खासकर सोचते हैं कि लड़का बहुत बड़ा हो जाए, जल्दी से वो थोड़ा बड़ा हो ताकि परिवार का थोड़ा सा वो जो स्थिति है वो ठीक करे, वो आगे कुछ कमाई धमाई करे, अच्छा नौकरी करे, अच्छा बिजनेस करे, तो परिवार की स्थिति ठीक होगी। तो पिता एक यही सोचते हैं कि जल्दी से लड़का मेरा थोड़ा बड़ा हो जाए पढ़ लिख करके, और उसके बाद ये कुछ अपना काम धंधा अच्छे से करे, यानी कि मेरे कंधों से ऊंचा हो जाए, कहने का मतलब कि वो बड़ा हो जाए। तो और लड़की जो है, लड़की के बारे में पिता माता क्या सोचते हैं, तो लड़की के बारे में माता पिता यही सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो जाए और उसके लिए प्यारा सा जो दुल्हा है वो खोज दिया जाए। तो उस घटना तक, यानी कि इन बच्चों को पालने पोसने और उनके करियर तक पहुंचाने और लड़की का जो है पढ़ाई लिखाई के बाद उसका शादी ब्याह करने तक का जो घटना है, उस घटना तक जो आदमी लगा हुआ है अपने बेटे बेटियों के लिए, वो हर एक आदमी लोहा है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटे को पढ़ाने के लिए और बेटियों के शादी परिवार करके अच्छे तरीके से उनका घर बसाने के लिए। तो हर वो आदमी जो ये काम करता है, ये मेहनत करता है, अपने बेटे बेटियों को सही दिशा देता है, उसके लाइफ तक उनको पहुँचाता है, ये सारे आदमी लोहे हैं। हर वो व्यक्ति लोहा है जो मेहनत करता है। हर वो औरत दबी सताई, हर वो औरत जिसको सताया गया है, जिसको काफी परेशान किया गया है, बोझ उठाने वाली लोहा, यानी कि वो अपने जीवन में काफी बोझ लेकर के चल रही है, काफी कुछ लेकर के चल रही है अपने जीवन में, काफी दुख सुख वो सही है, तो वो हर एक औरत लोहा है, हर वो आदमी लोहा है जो मेहनत करता है, जो अपने जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोहा एक मजबूती का प्रतीक है, लोहा काफी मजबूत होता है, उसी तरीके से हर आदमी जो लोहे के जैसी इच्छा शक्ति
रखता है, हिम्मत रखता है और मेहनत करता है तो वो सारे लोग लोहे हैं। यहाँ पे लोहे के महत्व को बताया गया है कि उस छोटी सी लड़की को ये सारी कुछ सिखाया गया है कि जो कुछ वो जानती है उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो लोहे के तरह हैं और लोहे हैं। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि इस कविता में क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं कवि। अब इसके एक बार आप सारांश को जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, यानी कि जो नायक है वो कहाँ के हैं, जो भी कैरेक्टर है वो कहाँ का है, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी हुई है, पूछता है बतलाओ कहाँ आसपास लोहा है। वह अनुमान करता है कि उसकी नन्ही बिटिया उसके प्रश्न का अवश्य उत्तर देगी। वह बतलाएगी कि चिमटा कलछुल कढ़ाई तथा जंजीर में लोहा है। वह यह भी कहेगी कि दरवाजे के सांकल यानी कि कुंडी कब्जे सिटकिनी तथा दरवाजे में धंसे हुए पेच स्क्रू के अंदर भी लोहा है। ये सब आपको मैंने बताया है। उक्त बातें वह पूछने पर तत्कालीन कहेगी, उसे यह भी याद आएगा कि लकड़ी के दो खंभों पर बंधा हुआ तार भी लोहे से बना हुआ है, जिस पर उसके बड़े भाई की गीली चड्डी पड़ी हुई है। वह यह कहना भी नहीं भूलेगी कि साइकिल और सेफ्टी पिन में भी लोहा है। उस दुबली पतली किंतु चतुर बुद्धिमती नन्ही बिटिया को कभी शीघ्र बताना चाहता है कि इसके अतिरिक्त अन्य किन किन सामग्रियों में लोहा है, उसे पूरी जानकारी ताकि मिल जाए उस लड़की को। कभी उसे समझाना चाहता है कि फावड़ा कुदाली टंगिया बसूला खुरपी बैलगाड़ी के चक्कों का पट्टा तथा बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर की गोली में लोहा है। कवि की पत्नी उसे विस्तार से बतलाएगी कि बाल्टी कुएं में लगी हुई लोहे की घिरनी हंसिया और चाकू में भी लोहा है। भिलाई चूंकि लोहे के खानों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे जगह जगह लोहे के टीले आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार कवि का विचार है कि वह समस्त परिवार के साथ मिलकर के तथा सोच विचार करके लोहे की खोज करेगा, लोहे के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा, संपूर्ण घटनाक्रम को तह तक जाकर के वह पता लगाएगा कि हर एक मेहनत कस आदमी लोहा है। कभी यह मानता है कि प्रत्येक दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत लोहा है, लोहा कदम कदम पर है और हर एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कभी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर मेहनत कस व्यक्ति लोहा है तथा हर दबी कुचली सताई तथा बोझ उठाने वाली औरत लोहा है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। आप इसका PDF नोट्स ले लीजिए, हमारे चैनल अविनाश इंग्लिश से जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च कीजिएगा अविनाश इंग्लिश, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये नोट्स ले सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स में सारे दोस्तों के साथ। धन्यवाद।